अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं निसार हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चावल के कारोबार के मतलब, और इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं एहसन भाई। वो हमें बताएँगे कि ये कारोबार कैसा है और कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो जी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है एहसन भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आपका कारोबार कैसा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक की रहमत है। कारोबार जो भी है, जो दिल से किया जाए, वो अल्लाह पाक बरकत डाल देता है। कितना अर्सा हो गया आपको इस कारोबार में? हमारे वाले साहब को हो गया 30 से 35 साल। अच्छा, तकरीबन। सही जी जी। मेन हमारी ब्रांच है नारोवाल शक्का नूरकोट। अच्छा, नूरकोट सिटी में ब्रांच है, जफर चावल स्टोर के नाम पर। वहाँ वाले साहब काम कर रहे हैं तकरीबन 30-35 साल हो गए। सही है। इसके बाद अभी हमें साल हो गया इधर इस्लामाबाद गोरी टाउन फेज 4B में, ये दुकान है हमारी। ठीक है जी, इधर हमें एक साल हो गया तकरीबन। अक्टूबर में हमने ओपनिंग की थी दुकान की। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, बड़ा करम वाला। तो इसके अलावा कहीं और भी है ब्रांच? ये हमारी तीसरी ब्रांच है इधर टेंच बाटा रोड पर ना, वही भी जफर चावल स्टोर के नाम पर ही है। अच्छा। तीन ब्रांच है माशाल्लाह हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम अल्लाह पाक। चावल जो है आपके पास कितनी किस्म के मौजूद है इस टाइम? चावल तकरीबन 10-12 किस्म के हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो मेन चावल है वो हमारे इलाके का जो सबसे मशहूर चावल है, जो जायके में टेस्ट में सबसे अच्छा है, वो है बासमती सुपर कर्नल चावल। चावलों की किस्में है ना, बासमती अभी सुपर कर्नल है, वो नारोवाल एरिए का है, गुजरांवाला नारोवाल मरीद का कभी एक ही तकरीबन इलाका बनता है। ठीक है, सियालकोट एक ही एरिया ये सारा। इधर अगर आपने सुपर कर्नल है ना, तो इस एरिया से, क्योंकि इस एरिए की खासियत है, इस चावल में जायका टेस्ट ज़मीन का भी होता ना, ज़मीन पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो इस इलाके का चावल जो बासमती सुपर कर्नल सबसे ज़्यादा टेस्टी चावल, जायकेदार है। और अगर सुपर कर्नल आप किसी और इलाके से लेंगे, जैसे सिंध में हो, ठीक है, तो उसका कोई जायका नहीं है। है तो सुपर कर्नल है लेकिन टेस्ट नहीं है, कोई जायका नहीं है। लेकिन असल जो चावल सुपर कर्नल है वो नारोवाल एरिया है, गुजरांवाला सियालकोट मरीद के कामों की, ये सारा एरिया तकरीबन एक ही है। तो अगर दूसरा चावल है कायना स्टीम, वो ज़्यादातर हमारे इलाके में कम होता है, होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, वो दूसरा इलाका है, जैसे ये साहिवाल हो गया, आर वाला हो गया। ठीक है जी, ये बुच्चे की भी नाम सुना हुआ हमने, वैसे वहाँ से नहीं लिया कभी। इस एरिए में कायनात की ज़्यादा प्रोडक्शन है, पैदावार है ज़्यादा। ठीक है जी। अच्छा भाई जान, चावलों की हमारे पास तो जो ज़्यादातर मोस्टली जो चलती है ना, वो 3-4 क्वालिटी हैं, जो ज़्यादातर पक्का भी है, जिसकी गारंटी भी है। बाकी तो काफ़ी किस्में इसकी हमारे पास भी, 10-15 किस्में हैं। अच्छा, और इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान में और भी ज़्यादा किस्में हैं। सही है। अगर हम जो ज़्यादातर जो चल रहा है वो ये चावल है, आप देखिए ये स्टीम कायना चावल है जी। ठीक है जी, ये प्योर एक नंबर चावल है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ये मोस्टली इधर ज़्यादा चलता है। ठीक है जी, इसके अलावा ये सुपर बासमती चावल है। ठीक है जी, ये पुराना सुपर बासमती चावल है, जो हमारे इलाके का सबसे मशहूर चावल है, वो ये इधर चलता है। ठीक है, ये दो चावल सबसे ज़्यादा चलते हैं। इसके अलावा ये चावल है, ये सुपर का, ये भी चावल है, ये पुराना है, कोई नया, ये नया चावल है। ठीक है जी, इसके अलावा ये दागी चावल कहते हैं इसे, जिसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होता है, दागी चावल। ठीक है जी, ये सुपर कर्नल का चावल है, ये भी दागी, ये सस्ता होता है ये दागी की वजह से। इसके अलावा ये सुपरी का चावल है, 86 भी कहते हैं, एक 86 चावल होता है, एक सुपरी, ये सस्ता चावल होता है सबसे, ये पकता पुख्ता नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ले जाते हैं खाने के लिए, सस्ता चावल है। इसके बाद ये सेला कायनात का है। ठीक है जी, ये इधर ज़्यादातर कैटरिंग वाले, होटल वाले यही पकाते हैं, इसकी बिरयानी बनाते हैं। ठीक है जी, ये चावल है सेला कायनात का। ठीक है जी, कायनात का सबसे अच्छा यही है। इसके बाद अदवाड़, ये स्टीम कायनात की अदवाड़ है। ठीक है जी, सही है। इसके अलावा एक ये है, इसकी कटिंग ज़रा बेहतर है, इसकी कटिंग ज़रा थोड़ी सी बारीक है, बारीक है। ठीक है जी, इसको पोना भी कहते हैं ना जी, पोना दाना भी कहते हैं, पोना इससे थोड़ा सा और बेहतर होता है। और एक ये है स्टीम कायनात में दागी चावल। ठीक है जी, और इधर ज़्यादातर जो मोस्टली चलता है, ये दागी भी चलता है चावल, और स्टीम कायनात और सुपर बासमती, ये चावल हैं जो चलते हैं इधर। आप ये बताइए कि एक तोड़े में कितने केजी होते हैं चावल? इसकी मोस्टली ज़्यादातर जो पैकिंग है ना, वो 50 केजी होती है। और ज़्यादातर इधर इस्लामाबाद में तो हम अपने ये गोरी टाउन जो शॉप है, इधर ज़्यादा 25 किलो जा रही है, 25 केजी की पैकिंग है। ठीक है जी, उधर जो मेन ब्रांच है हमारी शक्कागढ़ में नूरकोट में, उधर हमारी 50 केजी ज़्यादा चलती है। इलाके इलाके का हिसाब है, जो है ना सिटी बड़ा, इधर लोग कहते हैं 10 केजी वाली भी पैकिंग चाहिए, 5 केजी वाली भी पैकिंग चाहिए, 15 वाली भी होनी चाहिए, लेकिन हमें इधर 25 केजी तक भी है। कोई
होम डिलीवरी गोरी टाउन में आया है, इसके बाहर नहीं है, क्योंकि इधर गोरी टाउन में कोई कहे तो फिर दे देते हैं, वैसे बाहर कोई बस जितने भी ये कैश एंड कैरी वाले हैं और जो लोग हैं जिस तरह ये बड़े किराने वाले वो आते हैं हमारे पास इधर, अपनी गाड़ी लेके आते हैं और माल उठा के ले जाते हैं। अच्छे चावल की पहचान क्या है? अच्छे चावल की पहचान आम बंदा तो कर नहीं सकता, ठीक है जी। आप हैं जैसे आपकी ये फील्ड नहीं है, हम लोग तो काफ़ी पुराने हो गए हैं क्योंकि वाले साहब के साथ कर हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा भाई जान, ये कारोबार कैसा है? आप माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया, आपके वालिद साहब भी करते हैं, वो आपके भाई भी, आप भी, तो आप क्या समझे ये कारोबार कैसा है? मैंने आपको पहले बताया कि कारोबार अगर दिल से किया जाए ना तो अल्लाह पाक की मदद शामिल हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बड़ा ज़बरदस्त। ये बताइए कि जो बंदा ये कारोबार स्टार्ट करना चाह रहा है वो कम से कम कितनी अमाउंट से स्टार्ट करें? भजन ये कारोबार जो है ना ये पैसा चाहिए इसके लिए ज़्यादा, ठीक है जी। देखें ना आप, एक बैग इसका 50 किलो वाला सुपर कर्नर का देख लें आप, वो 5,600 का बैग है, ठीक है जी। तो 100 बैग आपने लेना है वो 5,60,000 का बन गया, ठीक है जी। या 5,000 का एक बैग है तो आपने 100 बैग लेना है वो 5,00,000 का बन गया, ठीक है। तो वो देखें आप, 100 बैग के लिए 100 बैग सिर्फ थोड़ी सी जगह पे आ जाता है, वो एक आइटम की बात कर रहा हूँ मैं, 5,00,000 तो 100 बैग चाहिए, मतलब ये 15-20 लाख होना चाहिए इस काम के लिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए अगर आपने कारोबार करना, तो क्योंकि इसमें तो देखें अभी स्टीम कायनात की मैंने बात नहीं की, उसका बैग अगर 6,000 का या 6,500 रेट चल रहा है, वो तो रेट अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है जी, हर एक का रेट अप डाउन होते हैं मार्केट के हिसाब से। 6,000 का बैग है वो आपने 100 बैग लेना वो 6,00,000 का वो बन गया, ठीक है जी। तो अगर आपने थोड़ा करना फिर तो ये हो सकता है कि 20-20 बैग सारे रख लें, आप स्टार्टअप करना आपने 20-20 बैग रखें, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो कि यार ये माल कहाँ से मिला है, कितने का मिला है, किस तरह बेचना है, ये क्या चीज़ है, स्टार्ट में यही होगा तो कि आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और 20-20 बैग रखें। किस टाइम परचेज़ करें? परचेज़ करने का जो हमारे अंदाजे में अंदाज़ा भी कह सकते हैं, तजर्बा भी है थोड़ा सा, कि जो सीज़न का जब स्टार्ट होता ना, जब ये अभी देखें आज ये नवंबर का महीना है, ये नवंबर, ठीक है, अभी दिसंबर में शुरू हो जाना है, वैसे भी नवंबर में भी शुरू हो गया, जैसे ये कायनात का चावल है ये स्टार्ट हो गया मार्केट में, ठीक है जी, ये असल वक्त है खरीदने का, ठीक है जी। दूसरा चावल सुपर करना है ये भी दिसंबर में अभी शुरू हो जाएगा। अच्छा, नया जब सीज़न स्टार्ट होता ना तब बंदा खरीदे चावल, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर 6-7 महीने बंदा स्टोर करके सेल करे तो मार्केट के हिसाब से रेट काफ़ी अप भी चला जाता है, कभी वही रहता है कभी डाउन भी हो जाता है। लोकेशन पे डिपेंड जी, लोकेशन तो बड़ी मैटर करती है जी, कारोबार कोई भी कारोबार, ये चावलों का नहीं बाकी जितने भी कारोबार हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लोकेशन मैटर करती है आपकी, लोकेशन क्या है आपकी, ठीक है जी। अभी ये दुकान है ये हम किसी मोहल्ले में डाल लेते या किसी गली में डाल लेते तो ये जो हमारी सेल है वो तो आधी भी नहीं थी। सस्ता चावल कहाँ से मिलता है? नारोवाल से भी मिल जाता है, गुजरांवाला एरिया ज़्यादा, गुजरांवाला नारोवाल एरिया में काफ़ी ज़्यादा शैलर है, वहाँ से भी मिल जाता है, वो ये कामों की गुजरांवाला, मतलब कि ये मंडियाँ बनी हुई हैं, ठीक है जी। तो हाफजाबाद एरिया एक उधर काफ़ी माशाल्लाह उधर भी मशहूर है। तो व्यूज़ आपने देखा है, असल भाई ने इस कारोबार के मतलब हमें हमारे साथ बहुत सी मालूमात शेयर की हैं और इन्होंने बहुत सारी बातें इस कारोबार से मतलब हमें बताई हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए निसार को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।